काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है और इस पर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और हमें प्रूव करना है हमें ये रिजल्ट लाना है साइड्स की रेशियो पेरीमीटर्स की रेशो के इक्वल है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और हमें बताना है इनकी साइड्स की रेशियो इनके पेरीमीटर्स की रेशो के इक्वल है हम जानते हैं कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के इसलिए साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। हैेशो के केस में ए b, इसमें ए को बोलते हैं एंटीसीडेंट और बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट जब रेशो इस फॉर्म में होती है तीन रेशो या ज्यादा रेशो इक्वल हो जाती है इक्वल रेशो जो है वो सम ऑफ एंटीसीडेंट टू सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स की रेशो के इक्वल हो जाती है सम ऑफ एंटीसीडेंट्स का मतलब है ए प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ आप इस चीज को ना भी लिखें और इसको डायरेक्ट लिखें तो ये भी आपका काम करेगा तो यहां पर क्या हो रहा है ये रेशोज इक्वल हैं इसलिए जितने भी इनके न्यूमरेटर पार्ट्स हैं वो ऐड हो गए तो रेशो के एंटीसिडेंट्स पार्ट है वो आपस में प्लस हो गए और कॉन्सिक्वेंस पार्ट आपस में प्लस हो गए पर ये है क्या ये तो पेरीमीटर है और ये भी पैरीमीटर है इसका मतलब है साइड्स की रेशो पैरीमीटर्स की रेशो के इक्वल हो गई अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इस रिजल्ट को हम कैसे फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकते हैं द पैरीमीटर्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर थर्टी सेंटीमीटर एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर्स डिटामिन कॉरस्पोंडिंग साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल हमें पैरीमीटर दिए गए हैं दो ट्राइंगल के और एक ट्राइंगल की एक साइड दी गई है और हमसे दूसरी साइड मांगी गई है अगर हम दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी साइड्स की रेशियो इनके सम्स के इक्वल आएगी क्यों क्योंकि सम ऑफ एंटीसीडेंट्स टू सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स इज इक्वल टू द रेशोस या यूं समझ लीजिए कि नहीं भी लिख सकते हैं तो आप इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट वी आर गेटिंग दिस एंड दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर और यहां पर हम साइड्स ले लेते हैं तो हमारी साइड की रेशियो पेरीमीटर्स की रेशो के इक्वल हो गई सपोज हमें फर्स्ट साइड जो दी गई है वो ए बी है और वो 15 सेंटीमीटर्स है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगी जो हमें सॉल्व करनी है पैरीमीटर दे रखे हैं थर्टी एंड ट्वेंटी तो पी क्यू हो जाएगा फिफ्टीन टाइम्स ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थर्टी टेन सेंटीमीटर्स सो पी क्यू इज टेन सेंटीमीटर्स इस तरह से सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स की रेशियोज पैरीमीटर्स की रेशियो के इक्वल हो जाती हैं और हम उसे यूज कर सकते हैं एज ए फार्मूला